गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैसेल्फ सौरव श्रीवास्तव एंड इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू दैट चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द ग्रुप. ओके एंड प्लीज लिसन केयरफुली ऑफ टुडेज class and also watching this class very carefully, because in today's topic I am going to discuss in front of you that chapter number 6, name is colonialism and urban changes during the British Empire. Okay, so let's begin. Are you ready? Okay, in pre-British India, towns grew around royal courts. यह है कि pre-British India, यानी कि British India से पहले जो टाउन्स यानी कि शहर थे, सिटीज थे, कस्बे थे, वो रॉयल कोर्ट्स. रॉयल कोर्ट्स का मतलब जो रॉयल कोर्ट्स होते थे उसके चारों तरफ डेवलप किए जाते थे. क्राफ्ट सेंटर मंदिरों के आसपास डेवलप किए जाते थे. ट्रेड रूट्स के आसपास बाजार डेवलप किए जाते थे. ठीक है, ये सारी चीजें थी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन. और जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, मेनी ऑफ दिस टाउन्स डिक्लाइन. कई सारे जो टाउन डेवलप हो चुके थे वो डिक्लाइन हो गए, यानी कि खत्म हो गए. फॉर एग्जाम्पल, एज इंडियन रूलर्स फेल फ्रॉम पावर, जैसे जैसे इंडियन राजाओं की पावर धीरे धीरे कम होने लगी, ये शहर भी धीरे धीरे खत्म होने लगे. सम इंडियन टाउन्स चेंजेड वास्टली अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड. न्यू टाउन्स ऑल्सो केम अप, और नए नए शहर बनने लगे. डी अर्बनाइजेशन, अगला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. डी अर्बनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे. ओके, सो प्लीज लिसन केयरफुली. ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड अराउंड द टाइम व्हेन ब्रिटेन बिगन टू कॉलोनाइज इंडिया. देखिए, कह रहा है कि ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब शुरू हुआ जब इंडिया में ब्रिटेन अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी. यानी कि ब्रिटेन जब, मतलब इंडिया जब ब्रिटेन की कॉलोनिज्म जब इंडिया में स्टार्ट हुई, उसी समय पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ. ओके, यह है कि इससे क्या हुआ कि इट गेव राइज टू द नीड टू स्पीड अप प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट देन बिफोर. पहले की अपेक्षा अब चीजों को ज्यादा पैदा किया जा सकता था, ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जा सकता था, वो भी लोअर कॉस्ट में, जो पहले नहीं हो पाता था. दिस कॉज्ड अ शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड टू मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन. इसकी वजह से जो चीजें हाथों से मैन्युफैक्चर की जाती थी, अब वो मशीनों से मैन्युफैक्चर की जाने लगी. मेनी सिटीज सच एज मैनचेस्टर, कई सारे शहर जैसे कि मैनचेस्टर, उसके आसपास का इलाका, न्यू इंडस्ट्री वहां पर डेवलप होने लगे. ठीक है, इंडिया एज अ कॉलोनी नाउ बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. उस समय इंडिया से रॉ मटेरियल को इंग्लैंड उस इंडस्ट्री के लिए सप्लाई किया जाने लगा. यानी कि इंडिया जो था उस समय पे, ब्रिटेन नई नई कॉलोनी बना रहा था, तो इंडिया से रॉ मटेरियल को इंग्लैंड पहुंचाया जाने लगा. यानी कि इंडिया इज अ ह्यूज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड फॉर द ब्रिटिश एंड अ रेडी मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग. और ब्रिटेन से जो सामान बनता था उसके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था सामान को बेचने के लिए. द इम्पोर्ट इन टू इंडिया ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स, इंडिया में उन प्रोडक्ट को ला करके बहुत सस्ते दाम पे बेचा जाता था. स्पेशली कौन कौन सी चीजें, कपड़े. ठीक है ना, जिसकी वजह से इंडिया में जो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड थी वो कम होती चली गई और ब्रिटेन वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली गई, क्योंकि वो कम रेट में मिलता था. द हैंडमेड इंडियन गुड्स बीइंग एक्सपेंसिव, हाथ से बनने वाले इंडियन कपड़े काफी महंगे होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, और कुड नॉट कम्पीट, जो ब्रिटेन के कपड़ों को कम्पीट नहीं कर पाए. इस तरह इंडियन हैंडलूम बिजनेस जो था धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा. मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रेड सेंटर्स ऑल्सो डिक्लाइन, जितने ओल्ड ट्रेड सेंटर्स थे चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए, बर्बाद होते चले गए. एज देयर ट्रेड शिफ्टेड टू न्यू सेंटर्स प्रमोटेड बाय द ब्रिटिश, और वो सेंटर डेवलप होने लगे जिसको ब्रिटिश लोग क्या करते थे, रिकमेंड करते थे या प्रमोट करते थे. पीपुल माइग्रेटेड आउट ऑफ द डिक्लाइनिंग इंडिया टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क, जो लोग गाँव में काम करते थे अब वो लोग शहरों की तरफ
पलायन यानी कि माइग्रेट करने लगे काम की तलाश में, सर्च ऑफ वर्क ग्रेजुअली, द अर्बन फैसिलिटीज सच एज वाटर सप्लाई, क्योंकि शहरों में वाटर की सप्लाई अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, रोड्स अच्छे थे, मार्केट्स अच्छे थे, इंडस्ट्रीज थी, एजुकेशन अच्छा था, एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, टाउन्स अच्छे थे, इसलिए लोग शहरों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन अर्बन फैसिलिटीज एकॉम्पेन्ड बाय अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इज कॉल्ड डीअर्बनाइजेशन। इसी को डीअर्बनाइजेशन बोला जाता है, यानी कि गांवों से उठ के लोग शहरों में बसने लगे, चाहे वो सर्च ऑफ वर्क हो, सर्च ऑफ एजुकेशन हो, सर्च ऑफ फूड हो, एनी टाइप ऑफ थिंग हो, इसको कहा जाता है डीअर्बनाइजेशन। अमंग द इंडियन टाउन्स दैट एक्सपीरियंस डीअर्बनाइजेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में तंजौर नया नया शहर डेवलप हो रहा था, मुर्शिदाबाद और ढाका भी नया नया शहर, ढाका बांग्लादेश में इस समय, लेकिन उस समय वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे ढाका की भी बात की गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स अंडर कॉलोनियल रूल एट मेनी प्लेसेज इन इंडिया, इंडिया में कई जगहों पर नए नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नए नए लोगों की ज़रूरतें आ रही थी, तो उस जरूरत को देखते हुए ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में सामान बनाते थे, उसको ला के इंडियन मार्केट पे सेल करते थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स रेंज्ड फ्रॉम द लार्ज प्रेसिडेंसी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स था अब वो धीरे धीरे लार्ज प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट होने लगा, कई सारे नए टाउन बनाए गए, जैसे कोलकाता बॉम्बे बनाया गया, मद्रास बनाया गया, टू टाउन्स अराउंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, टाउन्स के बगल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाए गए, टाउन्स ऑल्सो ग्री अराउंड रेजिडेंसेस, टाउन्स जो थे शहर थे वो रेजिडेंसेस ऑफिस के आसपास डेवलप होने क्या हुए, शुरू हुए। ओके, एज इन लखनऊ पुणे हैदराबाद, जैसा कि लखनऊ पुणे और हैदराबाद में रेजिडेंस ऑफिस ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, जैसे ही रेलवे इंडिया में आया, टाउन्स तेजी से डेवलप होने लगे, स्प्रिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ रेलवे जंक्शन, और रेलवे जंक्शन मूल सराय जिसको हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जानते हैं, अब ये धीरे धीरे नए ट्रेड सेंटर के फॉर्म में डेवलप होने लगा। मुगल सराय दिया है, जमालपुर ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, आगे है कि आर्मी कंटेनमेंट सेटअप द चेक फॉरन इन्वेंशन एंड इंटरनल रिवॉल्ट डेवलप इन टू द टाउनशिप, ठीक है, और वो सेंटर जहां पे आर्मी के सेंटर बनाए गए थे जैसे कि शिमला, ठीक है, दिल्ली, ये सब एरिया भी, दानापुर, पटना, ये एरिया भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा था। ब्रिटिश बिल्ट टाउन्स इन द हिल्स, ब्रिटिश लोगों ने नए नए टाउन्स को हिल्स एरिया में बनाने लगे, वेयर दे कुड स्पेंड टाइम, जहां पे वो गर्मी के सीजन में अपने टाइम को स्पेंड कर सकें, दे कॉल्ड दीज हिल स्टेशन, और उस जगह को वो लोग हिल स्टेशन बोलते थे। सम हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुछ हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी, जो क्या है टूरिस्ट लोगों के लिए आज भी बेहद पॉपुलर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ओके ओके, सेंटर्स दैट ट्रेडेड एक्सपोर्टेड कॉमर्शियल क्रॉप्स सच एज कॉटन, ऐसे ट्रेड सेंटर जो कॉमर्शियल क्रॉप्स की ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि कॉटन, शुगर केन, इंडिगो, ठीक है। द ओल्ड टाउन ऑफ मिर्जापुर, मिर्जापुर का पुराना शहर जो मेन ट्रेड सेंटर जहां से कॉटन की ट्रेडिंग की जाती थी उसके लिए फेमस था। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चैप्टर 5 कॉलोनिज्म एंड अर्बन चेंजेस का फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।